हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुचि इको क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन के बारे में डिस्कस किया था। यूजीसी नेट के पेपर में रिसेंट ईयर में मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कराती हूँ जिसमें 2004 से 2020 तक का मैंने कवर किया है। उसमें मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, इकोनोमेट्रिक्स और डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी जो कि मैच दी फॉलोइंग से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं, और मैं इसमें एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगी जिसके ज़रिए हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं और इससे ये हम नंबर भी आसानी से इसे पा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा मैच दी फॉलोइंग का, सेल्स मैक्सिमाइजेशन एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, मैनेजेरियल यूटिलिटीज फंक्शन मैक्सिमाइजेशन एज ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। तो हमारा जो सेल्स मैक्सिमाइजेशन एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म होता है वो थ्योरी में बॉमल ने दी है, और ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन, मैनेजेरियल यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म हमें दिया है विलियमसन ने, और ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म हमें दिया है मॉरिस ने, और ये सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म ये मॉरिस का ही ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन है। इसमें 7 मॉरिस के बिहेवियरल फंक्शन में मैनेजर में 7 फंक्शन है जिसमें ये सेल्स प्रॉफिट और ग्रोथ भी आते हैं, और ये कार्लडोर का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। अब हम लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जिसमें मैच द फॉलोइंग का है, जिसमें कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी ऑफ डिमांड है, रिवील प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ डिमांड, इंडिफरेंस कर्व, प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ डिमांड, यूटिलिटी अंडर सर्टेनिटी। तो रिवील प्रेफरेंस थ्योरी आप हमें दिया है सैमुअलसन ने, और कार्डिनल यूटिलिटी हमें दिया है मार्शल ने, हिक्स ने हमें दिया है इंडिफरेंस कर, और अनसर्टेनिटी यूटिलिटी अंडर अनसर्टेनिटी इंडेक्स जो हमें दिया है न्यूमैन एंड मॉर्गेस्टन ने। तो इसका ऑप्शन हम चेक करते हैं, फर्स्ट का दूसरा यानी कि सी। हाँ, तो मैं आपको ट्रिक बताने वाली थी इसमें ये कि अगर आपको इन चारों को अच्छे से पढ़ना है, फर्स्ट लिस्ट फर्स्ट को भी, लिस्ट सेकेंड को भी, अगर आपको इनमें से कोई एक भी आ रहा है और आप देख रहे हैं उस, मैं जैसे कि ये देखिए कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी ऑफ डिमांड इसको दिया है मार्शल ने, फर्स्ट का दूसरा, तो हम ऑप्शन में फर्स्ट में जाके देखेंगे, चेक करेंगे फर्स्ट का दूसरा, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमें पता चल जा रहा है और किसी में है ही नहीं, तो ये वाला हमारा सही है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से सी ऑप्शन सही कर सकते हैं अगर हमें डिफरेंटली पता है कि हमारा आंसर यही है, क्योंकि इससे फिर हमें ये तीनों चीज़ों को खोजने के जो टाइम लगेगा वो हमें बियर नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसे हमें आसानी से आंसर मिल जाता है। लेकिन कभी कभी हमें पूरा चेक करना पड़ता है क्योंकि उसमें फर्स्ट में भी सही सेम दिया रहेगा, दो तीन ऑप्शन में और फोर्थ में भी, हम ऐसे वाले भी डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर हो गया सी। अब हम दूसरा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है किंग डिमांड कर हाइपोथेसिस जो कि हमें दिया है पॉल स्विजी ने, और सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल ऑफ ओलिगोपॉली जो कि है विलियमसन मॉडल का, सोशल वेलफेयर क्राइटेरिया बर्गसन का है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ही स्टार्टिंग दिया था, लॉ ऑफ इनविजिबल हैंड एडम स्मिथ का है। तो हम ऑप्शन में देखते हैं किंग डिमांड ए का दूसरा, ए का दूसरा, देखिए यहाँ पे दो दो ऑप्शन में दिया था जो मैंने अभी बताया आपको, सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल ऑफ ओलिगोपॉली ये हमारा है विलियमसन, बी का वन, देखिए यहाँ पे हमें जाके क्लियर होता है कि ये आंसर बी का है, तो आंसर बी आ गया। अब हम चेक करते हैं दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे है एक्स इनिफिशियंसी एजेंसी थ्योरी ऑफ द फर्म द यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन मॉडल एजवर्थ बॉक्स डायग्राम फर्स्ट यूज्ड बाय, तो हम सेकेंड लिस्ट भी पढ़ेंगे, ओ ई विलियमसन, एम सी जेंसन एंड डब्ल्यू जे मैकलिंग, वेलफ्रेड पैरेटो, हार्वे लेवेंस्टीन। तो एक्स इनफिशियंसी जो क्राइटेरिया जो दिया है हमारा हार्वे लेवेंस्टीन ने,
बॉक्स एजवर्थ डायग्राम जो है हमारा दिया है पैरेटो ने, और यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन मॉडल हमारा दिया है हमारा विलियमसन ने, और एजेंसी थ्योरी आप हमारा हो जाएगा ये एमसी जेनसन एंड डब्ल्यू जे मैकलिंग। तो हम मैच करते हैं चौथा का हो जाएगा तीसरा, चौथा का हो जाएगा तीसरा। देखिए हम यही से क्लियर हो जाएंगे चौथा पॉइंट एजवर्थ बॉक्स डायग्राम वेलफेयर पैरेटो, यहाँ से बी, तो आंसर हमारा जो है बी सही हो जाएगा। अब हम लेते हैं, हाँ यहाँ पे देखिए कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में दिया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन है वाई इक्वल्स टू ए एल के पावर अल्फ़ा के पावर बीटा, अल्फ़ा एंड बीटा ये ग्रेटर देन जीरो है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हमें पता है कि ग्रेटर देन वन होता है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल लेस देन वन होता है, कांस्टेंट इक्वल्स टू वन होता है, और डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर है तो ये हमारा हो जाएगा, नहीं ये वाला डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर है तो ये हमारा हो जाएगा सीधे चौथा। तो आंसर इज सी। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किंग डिमांड कर्व, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, लॉ ऑफ इनविजिबल हैंड। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत ही फेमस बुक है मार्शल की। किंग डिमांड कर पॉल स्विजी जो कि ओलिगोपॉली में बताया गया है। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज डाल्टन का है जिसमें हमारा टैक्सेशन और हमारा एक्सपेंडिचर को लेके बताया गया है, कैसे हम मिनिमम टैक्सेशन मिनिमम टैक्स लेते हैं और हमें कंज्यूमर को मैक्सिमम पब्लिक को मैक्सिमम यूटिलिटी देते हैं। लॉ ऑफ इनविजिबल हैंड हमारा एडम स्मिथ का हो गया। अब इन सबको हम मैच कर लेते हैं तो हमारा आएगा आंसर ए। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इंडिफरेंस कर्व के बारे में बताया गया जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वेरियस कॉम्बिनेशन दैट अ कंज्यूमर कैन परचेज, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी दैट गिव द कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फैक्शन, अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ अ बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व। तो हम देखते हैं अ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ अ बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व, इसको हम बजट लाइन बोलते हैं। इंडिफरेंस कर्व हमारा हो जाएगा वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज दैट गिव द कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फैक्शन। इंडिफरेंस मैप हमारा हो जाएगा सी का, ए सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नो, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, हम फिर से करते हैं। हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ अ बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व, ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। वेरियस कॉम्बिनेशन दैट अ कंज्यूमर कैन परचेज, ये हमारा हो जाएगा बजट लाइन। वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी दैट द गिव द कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फैक्शन, ये हमारा ये हो जाएगा सी का, हमारा फर्स्ट हो जाएगा। तो अब हम चेक करते हैं, सी का हमारा जो है फर्स्ट है और बी का हमारा फोर्थ है और डी का हमारा जो है सी का हमारा जो है फर्स्ट है सी का हमारा जो है फर्स्ट है बी का हमारा फोर्थ है डी का हमारा जो है डी का हमारा जो है थर्ड है और ए का हमारा जो है दूसरा है, तो आंसर ए हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सोशल वेलफेयर फंक्शन हमें बर्गसन और सैमुलसन ने दिया है, कंपनसेशन क्राइटेरिया कालडोर हिक्स ने दिया है, और लोनेबल फंड हमारा हो जाएगा नट के विक्सेल, रेजिडुअल क्लाइमेट चेंज थ्योरी हो जाएगा वॉकर, तो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा। यहाँ पे देखिए सीएस प्रोडक्शन फंक्शन दिया है, हमें प्रोडक्शन फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। पी इक्वल्स टू गामा डेल्टा एल के पावर माइनस रो प्लस वन माइनस डेल्टा ब्रैकेट में के पावर माइनस रो, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट माइनस
म्यू अपान रो। तो हमारा रो जो हो गया वो सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर हो गया। ये सी का दूसरा, गामा हमारा इफिशियंसी पैरामीटर हो गया, ए का चौथा, और हमारा हो गया डेल्टा जो हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर, और म्यू हो गया हमारा रिटर्न टू स्केल पैरामीटर। तो हम इसको मैच कर लेंगे तो हमारा आएगा आंसर सी। इसमें इस क्वेश्चन ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा इसके हमें साइंस पूछते हैं कि सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का साइन कैसा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का क्या होता है, निगेटिव होता है, सब्स्टिट्यूशन का पॉजिटिव होता है, गिफिन का क्या होता है, इनकम इफेक्ट के केस में, प्राइस के केस में और सब्स्टिट्यूशन के केस में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसके हमारे कर्व भी पूछते हैं कि ICC कर्व निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, और प्राइस कर्व कैसा होता है, एंजल कर्व के से रिलेटेड सारे पूछते हैं। तो ये भी मैं एक वीडियो में कवर कराऊंगी कैसे क्या होता है, पहले इसको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। टी और काफ़ी होता है हमारा सब्स्टिट्यूट होता है, कार और पेट्रोल हमारा कॉम्प्लीमेंट्री होता है, गोल्ड एंड डायमंड हमारा वेबलेन होता है, रगी एंड बाजरा हमारा किफिन होता है जो कि एक तरीके का इन्फीरियर ही होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैंने 2004 से 2020 तक का क्वेश्चन कवर किया है, तो थोड़ा टाइम लगेगा और लेकिन बेनिफिशियल रहेगा। तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं, ओलिगोपॉली है, लीगल मोनोपॉली है, ग्लोबल मार्केट है, टेक्निकल मोनोपॉली है। तो हम लिस्ट सेकंड से इसको मैच कराते हैं। तो ओलिगोपॉली हमारा कार्टेल का होता है, कार्टेल में ओलिगोपॉली में हम कार्टेल बनाते हैं जिससे कि प्राइस का जो मैकेनिज्म होता है वो इनसाइड के लिए सेम होता है और आउटसाइड के लिए हम उस पर टैक्स वगैरह इम्पोज करते हैं। और टेक्निकल लीगल मोनोपॉली हमारा पेटेंट राइट हो जाएगा, ग्लोबल मार्केट हमारा ग्लोबल गोल्ड एंड सिल्वर के लिए हो जाएगा, टेक्निकल मोनोपॉली हमारा कोका कोला के लिए हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा वन हो गया ए। यहाँ पे हम चेक करते हैं, और डबल कार्डोर हिक्स टेस्ट, कंपनसेशन प्रिंसिपल, सोशल वेलफेयर फंक्शन, इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम। इम्पॉसिबिलिटी हमारा एरो ने दिया है, सोशल वेलफेयर फंक्शन हमारा बॉक्सन ने दिया है, कंपनसेशन क्राइटेरिया हमें कार्डोर हिक्स ने दिया है, और डबल कार्डोर हिक्स टेस्ट इज गिवन बाय टी स्किटोवस्की जो कि इसको अपोज करता है कंपनसेशन क्राइटेरिया को। आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगर हम ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमें पेपर में इनमें से एक दो या दो तीन क्वेश्चन तो कन्फर्म है कि फंस ही जाएंगे, और ऐसे करने से ये प्रैक्टिस भी हो जाएगा और हमें बहुत सारी थ्योरी किसने दी है, उसमें क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें भी याद हो जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये हो गया हमारा ये भी हमारा सी एस प्रोडक्शन फंक्शन है जिसमें पूछा है कि कौन सा क्या है। तो बीटा हमारा यहाँ पे हो जाएगा, फंक्शन दिया है वाई इक्वल्स टू ए अल्फा एल के पावर माइनस बीटा प्लस वन माइनस अल्फा के पावर माइनस बीटा माइनस अब वन अपन बीटा। तो इसका हमारा सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर हो गया बीटा, हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो गया, ए हमारा हो गया इफिशियंसी, अल्फा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया फैक्टर इंटेंसिटी, अल्फा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और हमारा म्यू जो है वो हमारा फैक्टर इंटेंसिटी हो गया, गामा हमारा जो है, या म्यू नहीं है गामा है सॉरी, गामा हमारा फैक्टर इंटेंसिटी हो गया डी। तो डी का वन, ये आंसर हमारा नीचे वाला ई ऑप्शन है जो कट गया है, तो ये हमारा हो जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ, गामा का वन हो जाएगा, अल्फा का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैं प्रोडक्शन फंक्शन दिया है कॉब डगलस का और पूछ रहा है इसके बारे में, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्क्वायर हो जाएगा ये, और इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में वन होता है। लेबर इलास्टिसिटी आप आउट हम देख रहे हैं एल के पावर ए है, तो ये लेबर इलास्टिसिटी आप आउटपुट हो गया।
कैपिटल की पावर बी है, तो यहाँ पे ये हमारा बी हो गया, तो हमारा आंसर जो है ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किंग डिमांड करो दिया है पॉल स्विजी ने, सेल्स मैक्सिमाइजेशन हमारा दिया है बॉमल ने, लिमिट प्राइसिंग है बेन का, फुल कास्ट प्राइसिंग है हॉल और हिच का, हॉल और हिच का। तो डी मैच करते हैं हम ए का पॉल स्विजी तीसरा, देखिए यहाँ पे भी तीसरा ए और सी, तो हम बी और सी डी को एलिमिनेट कर देंगे। बी का हो गया हमारा चौथा, यानी कि यही से हम कर लेंगे, सी हमारा सही है। अब इसको चेक करते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर लेस देन आर इक्वल्स टू जीरो, डिसप्रोपोर्शनलिटी एंड अंडर कंजप्शन, यूनिवर्सल डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। लिस्ट बी है ड्यूअल इकोनॉमी मॉडल्स, मार्क्सिज्म थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट, रिकार्डियन स्टेशनरी स्टेट, इंडिफरेंस कर एनालिसिस, सर्कुलर फ्लो। तो हम मैच करेंगे इसको इंडिफरेंस कर एनालिसिस के थ्रू, तो इंडिफरेंस कर एनालिसिस हमारा बेस्ड होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो हम यही पे इसको चेक कर लेते हैं कि चौथा जो कि हमारा किसका ऑप्शन है। तो एक मिनट, चौथा हमारा किसका ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ए का चौथा, यानी यही से हम बाकी सबको एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि चौथा ए में बी में सी में डी में नहीं है, सी में है, तो यही से हम इसको सी सही कर लेंगे, लेकिन ये सारे क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होता है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिवील प्रेफरेंस थ्योरी, सरप्लस वैल्यू, किंग डिमांड कर, पॉइंट ऑफ कॉन्स्टेंट ब्लिस। तो रिवील प्रेफरेंस थ्योरी हमारा सैमुएलसन ने दिया है, सरप्लस वैल्यू हमारा कार्ल मार्क्स ने दिया है, किंग डिमांड हमारा जो है पॉल स्विजी ने दिया है, और पॉइंट ऑफ कॉन्स्टेंट ब्लिस ये हमारा हो जाएगा ए बॉक्सन ने दिया है, जो कि हमारा पैरोटो सोशल वेलफेयर में जब हमारा इंडिफरेंस कर एक दूसरे को टच करते हैं, बीच वाला जो पॉइंट होता है, तो वहाँ पे, तो हम इसका आंसर देखेंगे, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लिस्ट में है फोर कंज्यूमर सरप्लस, डिफरेंशियल रेट, एंट्री प्रिवेंटिंग प्राइस, स्ट्रांग ऑर्डरिंग। स्ट्रांग ऑर्डरिंग हमारा हो जाएगा पॉल ए सैमुएलसन, जो कि हमारा रिलेटेड है रिवील प्रेफरेंस थ्योरी से। एंट्री प्रिवेंटिंग हमारा हो जाएगा बेन, डिफरेंट रेट हमारा रिकार्डो ने दिया है, दूसरा का हम देख लेते हैं यही से, अरे सी का हम देख लेते हैं, यहाँ पे चौथा है, यही से हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे, ये हमारा आंसर हो गया बी, ये हमारा आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टाइम नहीं है तो हमारे पास, हम थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो लेंदी हो रहा है, तो हम और अभी बहुत सारी स्लाइड्स है, तो हम करते हैं क्वेश्चन को। तो ये हमारा हो गया सेलिंग कास्ट का हो गया चैम्बरलिन, किंग डिमांड कर पॉल स्विजी हो जाएगा, नहीं परफेक्ट कंपटीशन हमारा होता है परफेक्ट नॉलेज का, किंग डिमांड कर हमारा होता है ओलिगो पॉली में, सेलिंग कास्ट का कॉन्सेप्ट हमें ई चैम्बरलिन ने दिया है, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारा जे आर हिक्स ने दिया है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसो प्रॉफिट कर, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, सेलिंग कॉस्ट और प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज हमें थ्योरी दी है एडम स्मिथ ने, सेलिंग कॉस्ट हमें दिया है चैम्बरलिन ने, स्टैकलबर्ग ने हमें दिया है आइसो प्रॉफिट कर, और सेल्स मैक्सिमाइजेशन है हमारा ये डब्ल्यू बॉमल। तो बी का तीसरा यहाँ से हम करते हैं,
तो ये है, हम बाकी में एलिमिनेशन लगा देंगे। तो हमारा आंसर हो गया ए। अब यहाँ पे है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, डिओपॉली, प्रोडक्ट्स ऑफ कमोडिटी, लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें दिया है मोदी ग्लानी ने। डिओपॉली होगा कुर्नट का, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो गया चैम्बरलिन, और प्रोडक्ट ऑफ कमोडिटी बाय मीन्स सरसाफा। तो हम डी का करते हैं दूसरा। दूसरा यहाँ से बाकी सब में एलिमिनेशन कर देते हैं, हो जाएगा। और रिविल प्रेफरेंस थ्योरी देखिए, यहाँ पे रिपीटेड है फिट सैमुलसन, क्वाजीरेंट हमें मार्शल ने दिया है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमें दिया है मिन्हास ने, सोशल वेलफेयर जो है बॉक्सन का है। तो डी का पहला, डी का पहला इलास्टिसिटी, और सी का हो जाएगा दूसरा, ए का चौथा। यहाँ पे देखिए कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का है क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड। तो हम देखेंगे कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल बीटा वन प्लस बीटा टू इक्वल्स टू वन वन, डिमिशनिंग रिटर्न टू स्केल हो जाएगा लेस देन, और इंक्रीजिंग हो जाएगा ग्रेटर देन, डिमिशनिंग फैक्टर हो जाएगा बीटा वन बीटा टू लेस देन वन। तो हम मैच करते हैं डी का फर्स्ट, ये बाकी सब एलिमिनेशन से कर देंगे। लिमिट प्राइसिंग फिर देखिए अगेन रिपीट है, पेन सेल्स मैक्सिमाइजेशन हमारा हो जाएगा बॉमल, ग्रोथ का हो जाएगा और सेलिंग कास्ट ये हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ से फिर से एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। लिमिट प्राइसिंग का हो जाएगा हमारा बेन, लिमिट प्राइसिंग का हमारा हो जाएगा बेन, जो कि ए का है तीसरा। तो यहाँ पे देखिए नहीं लगा सकते, दो है, दो को एलिमिनेट कर देंगे। हम दूसरा देखते हैं सेलिंग का, बी का पहला, ये भी है, यहाँ से देखिए कर सकते हैं ए का फर्स्ट ए, क्योंकि यहाँ से हम एलिमिनेशन लगा देंगे। रिविल प्रेफरेंस देखिए अगेन रिपीटेड है सैमुलसन, क्वाजीरेंट हमारा हो जाएगा मार्शल। ओके, ये रिपीट क्वेश्चन है, आंसर सी। ये देखिए इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम हमें दिया है एरो ने, कंपनसेशन क्राइटेरिया दिया है कार्डोरिक्स ने, मैनेजेरियल हमारा विलियमसन, अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट एपेच नाइट। प्रॉफिट की जो थ्योरी है पांच छः वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं उसे, दो तीन बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर बी, डिग्री ऑफ मोनोपोली थ्योरी, और डबल क्राइटेरिया, बिहेवियरल थ्योरी ऑफ फॉर्म, एवरेज कास्ट ऑफ प्राइसिंग। देखिए अगर कभी कभी कुछ एक एक पॉइंट नहीं पता होता है तो हम कैसे क्वेश्चन करते हैं, जैसे डिग्री ऑफ मोनोपोली थ्योरी, डिग्री ऑफ मोनोपोली की थ्योरी एक लर्नर ने दिया था, एपी लर्नर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, उससे मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का भी करेंगे। डबल क्राइटेरिया हो गया स्किटोवस्की, एवरेज कास्ट हॉल एंड हिच, बिहेवियरल थ्योरी ऑफ फॉर्म हमारा हो जाएगा हर्बर्ट सिमोन। आंसर जो है कि हमारा है ए, सी का हमारा हो जाएगा ये, और डबल वर्थ थ्योरी केलस की। तो ऐसे हम ये करेंगे, ए हो जाएगा हमारा आंसर। और फिर हम करते हैं यहाँ पे अगेन, ये क्वेश्चन है क्वाजीरेंट का, मार्शल ने दिया है, जो कि रिपीटेड देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा हो जाएगा जो है हिक्स, थ्योरी ऑफ गेम्स हमें दिया है न्यूमैन मॉर्गनस्टीन ने, और मोनोपोलिस्टिक चैम्बरलिन ने हो गया, क्वाजीरेंट मार्शल हो गया, तो और इलास्टिसिटी हमारा हो गया हिक्स। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, आंसर हमारा हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कंज्यूमर सरप्लस थ्योरी, यूटिलिटी थ्योरी, कॉस्ट एनालिसिस, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे देखिए कुछ अलग ही इसके लिस्ट दिया है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, आर्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, सप्लाई डिसीजन, कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड दिया है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहाँ पे होता है, इसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में हम एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम अपना सेल्स मैक्सिमाइजेशन करते हैं, तो हम इसको ऐसे कर लेंगे मैच। कंज्यूमर सरप्लस वेलफेयर इकोनॉमिक्स में हमारा जो है कंज्यूमर सरप्लस होता है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हमारा यूटिलिटी पे बेस्ड हो जाएगा, क्योंकि हम उसमें इक्विटी को देखते हैं, और कॉस्ट एनालिसिस हमारा सप्लाई डिसीजन को हो जाएगा, और आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हम करते हैं, ये देखिए कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस यूटिलिटी थ्योरी, और रिपीटेड है वही, तो इसमें भी हमारा ए हो जाएगा, रिपीट क्वेश्चन है। फिर हम देखते हैं ये किंग डिमांड कर्व हाइपोथेसिस सेंस मैक्सिमाइजेशन मॉडल ऑफ ओलिगोपॉली सोशल वेलफेयर क्राइटेरिया लॉ ऑफ इनविजिबल हैंड, ये भी हमारा रिपीटेड है, लॉ ऑफ इनविजिबल हैंड हमारा एडम स्मिथ हो जाएगा, सोशल वेलफेयर वक्सन हो जाएगा, सेल्स मैक्सिमाइजेशन हमारा हो जाएगा बॉमल, किंग हमारा हो जाएगा पॉल स्विजी। नेक्स्ट क्वेश्चन एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस रिलेटिव, और जो हमारा लाइफ साइकिल, ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें डेमोन्स्ट्रेशन और रैचेट हमारा रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस के पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि ड्यूजन बीरी ने दिया था, तो ये यहाँ पे हो जाएगा एब्सोल्यूट हमारा किन्स ने दिया था, और रिलेटिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस हमारा लुकास ने दिया था, न्यू किन्सियन मॉडल हमारा जॉर्ज मैनक्यू ने दिया था, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, लास्ट क्वेश्चन प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन हमारा होता है, देखिए दिया है हमारा चैम्बरलिन जो कि ओलिगोपॉली में होता है, कुर्नोट डियोपॉली में होता है, प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी बाय मीन्स ऑफ कमोडिटी सराफा ने दिया है, लाइफ साइकिल होमोनो, तो ये हो जाएगा डी का हमारा है दूसरा, तो हम यही से कर लेंगे बाकी सब एलिमिनेशन मेथड। थैंक यू सो मच, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको बेनिफिट मिले। थैंक यू सो मच।